मुझे किरण दीदी बोलते हैं ना, तो ये देखो मेरी लड़की कैसे। किरण दीदी करा तूने पानी गहरा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय चैनल, कैसे हो आप सभी। और ये मुझे व्लॉग नहीं बनाने दे रहे, लगता है पिटाई खाएंगे। जैसे ही मैं कुछ बोलने वाली होती हूँ वैसे इन दोनों का ड्रामा चालू हो जाता है। और हमने बराबर टॉफी मंगाई थी सुबह सुबह, केक एक लेंगे सब। और मेरी करुणा ने ऐसे से पट्टा मारा, ये दे नहीं रही है मेरी टॉफी। हाँ इधर बैठ जा, उधर गिर जाएगी। एक टेंट और घुसे कितने हैं इसमें। ओ भैया पूरी बारात बैठी है यहाँ, तो तेरे लिए जगह नहीं है, तू बाहर बैठी है। ओ माय गॉड, ये तो सो रही भी है। हल्ला नहीं करो, भैया अंदर सो रहे हैं। पहले तो मेरे को लग रहा था कि ये बच्चे हल्ला करते हैं, और नोनू सोता था तो मैं इसे भगा देती थी। अब इनका क्या करूं, ये तो इन्हीं का घर है बगल वालों का, तो नोनू पता नहीं क्या सो रहा होगा अभी। ये बहुत सारी बातें कर रहे हैं। रिजल्ट कब है? ये नहीं पता स्कूल कब खुलेंगे। होली के बाद खुलेंगे। तेरा रिजल्ट कब है? मेरा भी होली के बाद 31, वो 30 को। तेरा रिजल्ट कब है? मेरा मेरा है, मेरा भी होली के बाद ही है। तो तेरा तो इसी के साथ ही मिलेगा क्योंकि दोनों जगह एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। ऐसी लड़की है, हैं? इतना सारा चीज जाके अकेले अकेले बैठ के खा रही है, सबको ललचा रही है, इतने सारे बच्चे बैठे हैं इसको देख रहे हैं, हैं? मैंने इसको बोला तुम अपने घर में जाके खा लो, ना ये दे रही है ना बांट रही है। भाग गई भाग गई भाग गई, अरे भाग रही है। तो ये देखो अभी नानू बैठा हुआ था साफ, थोड़ी थोड़ी देर में बात करते करते खिसक ली है। अब अंदर देखा कोई नहीं है, फिर से वापस आ गए। और कितने बच्चे हैं मेरे, जल्दी बता। कान में खुशू खुशू कर रहा अपनी बहन से, दीदी के ना 6 बच्चे हैं, अपने आप को भी मेरे बच्चे बता रहे हैं। जब किसी से प्यार करते थे बच्चे तब बोलते हैं ये सब। जब ये ना मेरे पास आता था ना, तो मैं ना बहुत पहले से वीडियो बनाती थी, तो इसको सब मेरा बेटा समझते थे। और तब पूछते थे निशा आपके कितने बच्चे हैं, तो ये मेरे पास टॉफी ले आया करता था, छोटा था ये, इसको पता नहीं याद है कि नहीं है। लाइन लाइन दूसरों की बजिया चोर चोर के अब तक हाथ इकट्ठी करता रहता, तो हमारा दूसरा ऊपर लेंटर पड़ जाता। ये इतनी सारी उनकी बजरी फेंक के आ गया, मैं तेरा बहुत मारूंगी, वहां से बजरी नहीं लानी। पड़ोसी की बजरी उठा रहा है। तो नानू कहा था मैंने आशीष के बाल कटा लो, बहुत बड़े बड़े बाल हो रहे हैं, नहाया धोया लगता भी नहीं है, तेल लगाओ कितना भी सूख जा रहा है उसके बालों से। अब फिर उनकी गाड़ी खराब हो रही है, वो गाड़ी ठीक कराने चले गए। वैसे गाड़ी तो सलून खुला तो बताइए, वो आज खुला हुआ भी है। बल्कि बाहर खेलो मेरी औलादो, बाहर खेलो। चप्पल जोड़ दो लगा रहता है, इसकी चप्पलें टूटती रहती है। भैया बहुत परेशान कर दिया बहुत देर से। क्या है पता नहीं क्या है ये भैया? नहीं ये करुणा खेल रही थी, करुणा खेल रही थी इससे। चलो बाहर चलो, बाहर खेलो। सॉरी करना है। सॉरी, अच्छा इन्हें ना अपनी बहन को सर में ना चप्पल मार के आ गया ये, और मैंने बोला पापा को बताऊंगी तो कह रहा सॉरी। पापा ने बोला सॉरी बोलना है ना, तू गलती करता रहा सॉरी बोलता रहे, मैं सुनूंगी ना तेरी बात, चला जाए यहाँ से। पापा आएंगे ना तो सब बताना इसको चप्पल मारा ना। ना ये मेरे साथ भी ऐसे करता है, मेरे को ही मारता है ये। दिन के खाने बनाऊंगी मैं आज राजमा की दाल। ये करना, ये मच्छर काट रहा है। हाँ, तो भैया मैंने मारा है। अच्छा इसने ना चप्पल मार दी सर पर, अभी इतना घबराया हुआ है कि इसके पापा शिकार काट लेगा वो। हाँ तो वो बहाना बना रहा है कि उसके गाल पे मच्छर बैठा था तो मैंने चप्पल मार दी, तो ये कहना चाह रहा है इतनी देर से कि उसके, क्योंकि घर पापा आने वाला है। ठीक है नहीं बोलूंगी पापा से। कहाँ रह गया नोनू, अभी जा घर। धीरे से मारा है, धीरे से मारा था करुणा को, पर करुणा तो बहुत कस के रोया था। अपनी दीदी को नहीं मारते, अपनी दीदी को प्यार से रखते हैं। वो तेल लेके आई थी मैं दीदी का, नहीं ये राजमा में इतना सिटी लगाती हूँ फिर भी नहीं पकते हैं। ऐसे ये कोई अच्छे वाले राजमा नहीं है जो जल्दी गल जाते हैं, 2 बार बंद करके लगाया है मैंने सिटी, इसमें फिर भी नहीं गले। आगे नानू दही लेके आया है। मेरे को लगा चॉकलेट चॉकलेट तो नहीं लाया कहीं, इनको दे रहा मेरे को नहीं दे रहा। वो झुट्टा सच में लेके आया टॉफी। ये नोनू के जाके उसकी सारी राजमा की दाल गिर के आ गई। कह रही हूँ कि करुणा ने ये कांड कर दिया है, और एक गद्दा वो उठाकर डालेगा, बहुत भारी है, इसके खिसकाने के चक्कर में मेरी पेट की नाभि चली गई थी। क्या बोल रही नोनू का बजिया घर से उठ रही, तो भागता नजर आ रहा है एकदम, अपना सारा सामान ऐसे पैक करा जैसे घर छोड़ के गुस्से में जा रहा हूँ। तूने अगर मुझे बोला कि मारूंगी मम्मी तो तेरे को उठा के पटकूंगी। पापा दे, क्या देख तेरा पापा, बाय कर दे बाय।
नौनू को रुमाल ला करना। ठीक है, पहले क्या था उसको मांग रहा। क्यों नहीं कर रहा कुछ? ये देखो पानी डाल दिया, मैं यहाँ बैठी थी ना, और पानी डाल दिया मेरे पीछे। और कह रही कुछ नहीं करा। करा तूने पानी गिरा? कुछ नहीं करा। करा तूने पानी गिरा? कुछ नहीं करा। बोलते रहेगा साला, बोलते रहेगा। किरण दीदी बच्चे मुझे किरण दीदी बोलते रहा। तो ये देखो मेरी लड़की क्या। किरण दीदी मैं तुमको पिटाई करूंगी। मम्मी हूँ मैं तेरी। किरण मम्मी हूँ मैं तुम्हारी। नहीं मम्मी हूँ मैं। और देखो इतनी गर्मी में कहाँ ताका झाकी कर रहा है। मुझे लग रहा है आ रहा है देखने के लिए, खेलने के लिए। इतनी गर्मी में धूप में नहीं करो। सच में मैं एक साइको हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं गॉड से ही बात करती हूँ, है ना। और ये एक साइको इंसान ही सोच सकता है। और आप लोग जैसे कि कुछ भी बोलते हो अपने आप को बहुत ज़्यादा विद्वान जो समझते हो लाइफ में आ रखे हो, ये अच्छी बात है तुम्हारी, तुम्हें समझना भी चाहिए। और तुम बहुत हाई लेवल के हो, हम तुमसे बिल्कुल लो लेवल के हैं जो हमें कुछ समझ में नहीं आता। तो अच्छी बात है, खुश रहो तुम, हम तुम्हारे लिए यही कह सकते हैं। वैसे ये हमारी दुनिया हमारे ही इच्छाओं पे चलती है। आप अलग से लोग हो, आप अच्छे से कमाना जानते हो, अच्छे से उसे रखना जानते हो, अपनी लाइफ को बेटर करना जानते हो। हम जैसे लोग ना भक्ति भाव वाले लोग हैं, हमें कुछ नहीं मिलता ना तो हम भगवान भरोसे पर रहने वाले लोग हैं। बहुत सारे होंगे मेरी तरह जिनको कुछ नहीं मिलता ना तो भगवान से काफ़ी बार बोलते हैं भगवान हम तुम्हें ये भी देंगे, वो भी चढ़ाएंगे, कुछ भी इटीसी। उनमें से मैं भी एक ऐसी ही हूँ, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा चढ़ाना बढ़ाना सा नहीं करती हूँ। लेकिन मैं घुटने पर बैठ के उसके लिए सब कुछ बोलती हूँ कि अगर तुमने मुझे बनाया है, अगर तुम हो इस संसार में तो तुम मेरी सुन रहे हो, अब तुम्हें मेरी बात माननी है। तो ये सब बातें मैं अपने उसमें बोलती हूँ। तो प्रार्थना में तो तुम मुझे साइको कह सकते हो, और मुझे बुरा नहीं लगा। वैसे मुझे सच बताओ तो साइको का मतलब नहीं पता, साइको से पागल होता है साइको का मतलब। मेरी बिटिया रानी तुम्हारे घर है, क्या कर रही है? कुछ खिला पिला रहे हो तुम मुझे? घर पे खेल रही है। इसकी सिस्टर आई, कहती है कि मम्मी परेशान कर रही है, फिर इसकी सिस्टर उठा कर लेगी उसको। मानसो मैं किराएदार हूँ ना यहाँ पे। हाँ कहाँ मेरा घर है भाई, मेरे को जब लड़ाई होती है तो मेरे को घर के बाहर नहीं खड़ा कर देते भैया। तुझे नहीं पता तेरी मम्मी रोक रोक के आती है, तेरी मम्मी ले लेके आती है। नहीं किरण, नहीं किरण, बस यहीं रो, जाना नहीं है कहीं। अपनी मम्मी से पूछियो ना। एक दिन मैं घर छोड़ के चली गई थी और मैंने अपने बैग में सब कुछ पैक करके रखा हुआ था। लिपस्टिक क्या, क्रीम क्या, एक ओढ़ने के लिए चद्दर गया, स्वेटर भी रख लिया था एक। मैंने लगा क्या पता रात को ज़्यादा ठंड लगे, मतलब टोटल सामान था। ये नहीं सोचा कि जैसे होता है ना गुस्से में बंदा कि जल्दी जल्दी भरा और चला गया और भूल गया। मैंने अपने यहाँ तक के डॉक्यूमेंट्स भी सारे रखे हुए थे। मतलब मैं बिल्कुल सोच समझ के घर से निकलती हूँ और फिर मैं कहती हूँ अब खुदा मेरे साथ चलना, यहाँ नहीं रहना तुमने, क्योंकि अब मेरा ध्यान रखने के लिए कोई नहीं, अब तुम ही रखोगे मेरा ध्यान। पत्नी एक गृहिणी होती है और उस पर ग्रहण पति लगा देता है और उसका जीवन तहस नहस हो जाता है। फिर अभी भी इसका मन होगा कि मैं यही घर जाऊं, तेरे पापा रखूंगा ना। हाँ तो चलो घर में चलो, तब दिखेगा है। बड़ा करूं? मेरे को सिखा रहा है कि मैं बड़ा करो तो दिखेगा। धुंधलापन है बहुत ज्यादा। आवाज आ गई, पैसे दे दो। कहाँ है पैसे बता? ₹520 एक्स्ट्रा लेके आ गया था ये सुबह। मैंने इसको कुछ सामान लाना भेजा था और इसको भी हिसाब करना नहीं आता, तो इन्होंने बोला दीदी लिख के दे दो। जब वापस आया तो इसने मुझे ₹20 ज्यादा दिए। ए पागल, मेरे पैसे नहीं है ये, तू ही लाया था। मैंने तो जितना पैसे के मेरा सामान लेके आया था। पागल लेके तेरे पैसे पकड़, तेरे से ₹10 ले तो लिए मैंने। अरे मेरे पैसे नहीं थे भाई, इतना ₹20 एक्स्ट्रा लिया था। मैं कह रही हूँ ₹10 तू रख ले, ₹10 मुझे दे दे। कहता नहीं दीदी आप ही रख लो, ये एक्स्ट्रा ले गया। मैं क्या करूँ पैसे का था, वो ₹10 तो आशीष ले गया, मैंने ₹10 तू ले ले। ये भाई से सिलेंडर तो लिया यार, पर मेरे को तो उसमें लग रहा है कि गैस कम है। हाँ सच्ची, अरे उठता क्या, हिलता भी नहीं है सिलेंडर। ये देखो इसमें ना वो है, चल उठा, गैस कम है ना। नहीं उठता रे बच्चों सिलेंडर। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।